हरिपुर और प्रतापगढ़ के निवासियों खातिर सूचना ई बाकी। प्रतापगढ़ के ठाकुर बलराम सिंह के सुपुत्री नर्मदा के मंगनी, शिकारपुर के ठाकुर शंकर सिंह के सुपुत्र प्रीतम सिंह के साथ तय हो गई बा। यही से काल सवेरे हमनी के ठाकुर बलराम सिंह के सुपुत्री नर्मदा हमनी के गांव के गरीब लोगन के कपड़ा और भोजन देवे वाला बाड़ी। कहे जी, हमनी के नर्मदा के शादी बड़ा धूमधाम से कल जाई ना। ये बताओ प्रमिला, हमनी के छोटे ठाकुर नजर ना आ रहल बाड़ेन? जबानी बाबूजी। अच्छा बेटा, नर्मदा अपन शादी तय होके के खुशी में गरीबन के भोजन और कपड़ा देवाले वाले बाड़ी इंतजाम हो गई बा का? हो गई बा बाबूजी। वो देखी नर्मदा आ रहल बड़ीन। चला भाग्यवान चलल जा, अपन बिटिया के दुल्हन के रूप में गरीबन के भोजन और कपड़ा देवे के साथ साथ उनकर खुशी भी देखल जाए। चला प्रणाम 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 बेटा। आवा बेटा, हमरे मेहमान के ले जाके स्वर्ण महल में ठहरा दा। कौनो चीज की कमी ना होके के चाहिए। शंकर ठाकुर बड़ा गुस्सा वाला आदमी बाड़न, इनकर खास ख्याल रखे। हम कौनो गुस्सा वाली ना बानी, बाकी मान सम्मान के कदर करे वाला बानी। आई दमाद जी, अतिथि भवन चलल जाए। के बड़ा तू ऐजा का लेवे आयल बड़ा? चावल गेहूं की बाजरा? चावल गेहूं ना लेवे आयल बानी, वहां नर्मदा से ब्याह करे खातिर आयल बानी। हां ए तोहर इतना हिम्मत? ठकुराइन हम आपके नीलकंठ बानी, कोनो पागल नहीं खी। ई देखी नाथ। ध्यान से सुना, ठाकुर के इज्जत से खेल रहा बात और ई वजह तू जौन अपराध कैले बा ओकरे खातिर हम तोरा के दंड देहल बिना ना छोड़ा। इस समय पागल के हमारा नजर से दूर ले जा। जंगल में चिटियन से भरल काल कोठरी बाना एकरा के हुई ले जा के बंद कर दा। याद रखिया, जौन कुछ भइल बा ओकर बनक शंका ठाकुर और प्रीतम सिंह के ना होके के जाई। खबरदार ले जाए पागल के। अच्छा प्रीतम सिंह, आज तू हमनी के साथ बड़ा खुश बाड़ा, लेकिन काल से नर्मदा के गुलामी करे लगबा। आखिर ये सब भइल कैसे भाई? सब हमार बाबूजी के राज तंत्र है। चोल महाराज के दिहल जमीन पर फसल उगा के सोना निकाल कर देत रहलन हमार ताऊजी कुलदीप सिंह ठाकुर। अपन जमीन जायदाद जब वो हमार बाबूजी के हाथ में सौंपलन
तो वो समय नर्मदा के शादी हमरे साथ करवावे के वो सरेआम वचन देले रहलन। लेकिन हमार बाबूजी ओ नीलकंठ के परवरिश खाली पागले बना के ना कैलन, बल्कि ओकर जायदाद भी हड़प के ओ नर्मदा के शादी हमरा साथे तय करवा देलन। सुन बच्चा लोग, इतना रात बीत गई, तू लोग बेकार के बात काहे करल बड़ा, जाके सूझ जा। सुना, एगो के बर्बाद कई के ही दूसर का आबाद होखेला, और एकर हम एगो उदाहरण बानी, तू तो जाने ना, जा और जाके सूझ जा। नाथ, ये आप कहाँ करल बनी? आप ऐसा नहीं कर सकते। ना हमरा के मर जाए था। ना, हे भगवान, ये कहाँ हो गई? कहाँ बाऊ पागल के बच्चा? कहाँ बाऊ पागल? कहाँ बा? हम यहाँ बानी महाराज, हम पागल ना बानी महाराज। सच कहें तो हम आज तक एगो चीटी के भी ना मरनी महाराज। रास्ता में अगर कोनो सांप भी आयल तो हम हाथ जोड़ के विनती करी ला जाए खातिर महाराज। ओकरा बावजूद भी वो काट लेलस तो हम सह लेला महाराज। आप भी हमरा के ना समझनी। नर्मदा, ये गुड़िया के खेल नहीं खे, काल तुहार शादी बा। शंकर ठाकुर और प्रीतम सिंह कोनो आम आदमी ना बालन, ये अपमान के वो बर्दाश्त ना कर पहिन। इतना सब कुछ ओखला के बाद हम शंकर ठाकुर से शादी रोके खातिर कौन मुंह से कहब? प्रमिला, नर्मदा हमनी के सगी बेटी ना बाड़ी, तब्बो ये जौन चाहले बाड़ी हमनी देनी। ओकरा बावजूद ही नीलकंठ के अपनावल चाहतड़ी तो हमरा के कौनो इतराज नहीं के। पिताजी, बालपन में ही आप कहले रहनी कि ये हमार पति परमेश्वर बाड़े, और हमार तन मन में भी ये बाड़े। हम भाग के इनका साथ विवाह कर सकेनी, लेकिन हम ऐसा ना करब। खैर, अगर आपके मंजूर नहीं खे तो आप अपन इच्छा अनुसार हमार शादी कराएं, लेकिन हमार शादी ओ महाराज से कबू ना होगी। उकरा से पहले हमार मरल मुंह देखब आप। ना, ना महाराज, आज्ञा दी हम वही काल कोठरी में चल जाए महाराज। ठीक बा, जौन होके के होई होखी, हम जाके शंकर ठाकुर और प्रीतम सिंह के समझावे की कोशिश करता नहीं। आगे ईश्वर की मर्जी। क्षमा चाहता नहीं, कौन मुंह से कहीं ये समझ में नहीं के आ रहा बा। कौनो बात नहीं के, का संदेश बा? क्षमा चाहता नहीं। अरे, बात बतेले बिना बार बार क्षमा याचना कर रहल बानी, का बात बा? काहे क्षमा चाहता नहीं? हम बतावत मानी बाबूजी, अचानक नीलकंठ बीच में आ गई बा और ये ओकरा के दामाद बनावल चाहता रहा। का कहला? ई का रायचू के महाराज काहे? ठाकुर, अपन समधी के मारे खातिर उतारू काय हो गेल बड़ा? का भइल? आप तो रायचूर बानिया और आप ए विवाह में हमार न्योता स्वीकार कई के ही आ रहल बानी, और ई बात सुन के बलराम ठाकुर आग बबूला हो गयलन और पूछन की के न्योता देहलस। तो हम कहनी कि आप हमार मित्र बानी, आपकी न्योता देवे खातिर हमरा के केहू से पूछे का जरूरत बा? तो ये कहलनी कि इनके पुत्र से प्रीतम के शादी हो ही ना सकेला। हाँ, तो हम चुप कैसे रह सकत रहनी, यही लिए तलवार उठावनी। ऐसा हम कह सकेला? शंकर ठाकुर पर हमरा के पूरा पूरा भरोसा बा, ई बात मत भूलिया। ई हमार कितना सम्मान करेला नी हम जाने नी। खैर जाए दी,
रायचू काली के आगमन से इनकरा के कौनो कष्ट नहीं के तो हमरा पुत्र प्रीतम के संगे अपन पुत्री नर्मदा के विवाह करे खातिर काई तैयार बाड़न। हमार बेटी के शादी पसंद नहीं के ऐसे हम कौनो फैसला ना ले सकता नहीं। बाबूजी चली चलल जाओ, बेकार के बहस का है। दूर हटा हमारा आंख के सामने से। ऐसन का भूल भइल हमरा से? का भूल भइल, तू नहीं खुजाना? तू एक दत्तक पुत्री बाड़ू, एकरा जनला के बावजूद तोहार पिताजी तोहार लाड़ प्यार से पललन, एकरा से शादी करके हमनी के दिल के ठेस पहुंचाले बाड़ू। कहां जइबू? एकर कोनो घर नहीं के दर दर भटकत रहबू तू। जा, तू स्वेच्छा से एकरा से शादी कर ले बाड़ू। और सुना, तोरा देवे खातिर सारा सामान हमने घर के चौखट पे रखवा देले बानी। सोना के थाली, चांदी के बर्तन, सोना से बनल पलंग, और कल तोहार होके वाला बच्चा खातिर सोना के झूला के भी प्रबंध कर देले बानी। यही बखत अपन पति के साथ ही सब लेके निकल जा। बाबूजी की ओर से बोल रहल बानी, दफा हो जा। पिताजी ता भी इहे चाहेनी। सुन ले हलू ना, आज से ही घर में तू दोनों खातिर कौनो जगह नहीं है। सारा रिश्ता बंधन अब टूट चुकल बा, अब जा यहाँ से। राणा, आज तो चाहे जे भी कहा कौनो बात नहीं खे, यहाँ जौन कुछ भी बात तोहरे बा। काहे कि हमनी के रहे खातिर भी घर जे नहीं खे। लेकिन याद रखिया, तू अभी अभी कहले बाड़ा कि सारा रिश्ता बंधन टूट गई बा। वक्त बताई, हम अपन पति के साथ रानी बन के रहब और तू दृश्य देखे वाला बाड़ा राणा। एक दिन अपन दोनों बेटी के रिश्ता लेके हमार चौखट पे आके तू गिड़ गिड़ मत भूली हा। जब पैदा करबू ना, दू शेर के बच्चन के पैदा करिया, तू दोनों के हम घर के रखवाली खातिर कुकुर के जैसन राखब। तो हार दुगो बेटी होखी है और हमार बेटा के साथ ही उनका शादी होखी, इस सत्य वचन बा। चली नाथ। हमने के बेटी जा रहा है, रोकिन होके। नर्मदा, नर्मदा, नर्मदा रुका था। नर्मदा, नर्मदा, कह मंगल बाही ऐसे देख रहल बाड़ू, पहचान लू ना? पुरान ख्यालन में विचरण करत बाड़ू। हाँ ना सरकार, आपकी आवाज सुनती हम पहचान गए रहनी कि आप ही परमानंद बानी। हाँ माही, कड़ा धूपा हम आपके तनी छास देता नहीं पी के जाई। इली ही तहरा हाथ से छास पियल कितना दिन हो गए। मन प्रसन्न हो गए। अच्छा बा, धन्यवाद। हमके पिथौरा गढ़ जाए के बा। चलो। मंगल सिंह, तू जोन करत आ रहा हूँ ठीक नहीं के? हाँ ठीक नहीं के। ये वा जोन जगह बा, वो पर हमार भी हक बा। वो झरना में जवन पानी बा, वो पर हमार भी हक बा। पानी यहाँ सबके संपत्ति बा, वो केवल तहार बाई बोल के जश्न मनावल कहाँ के इंसाफ बा। सालों से ये लोग झील के पानी इस्तेमाल करके खेती बाड़ी करत आवत बाड़े। अब अगर तू पानी बंद कर दे बा, तो ये बेचारा लोग का करिए? हमने योगो बुद्ध पानी ना दिया जाए तो होनी के, हम बोल देनी ना तेरा से जवन बन पड़े कैला। हमार बात तोरा समझ में नहीं खियावत? बिल्कुल नहीं। बोला और शंकर के बुला के लेके आवा। Thank you.
अच्छा लोग, हमने के इलाका में पानी कैसे आवेला तनी लोग के दिखा दा। ऐसे पहले कि हम गांव के सीमा तक पहुंची, ये पानी गांव के अंदर तक पहुंचे के चाहिए। चलो की बतावा, यहाँ क्रांति सिंह के प्रशिक्षण केंद्र कहाँ बा? हमके उनका से मिले के बा? हमने के आचार्य जी से मिले के बा? ओ, तो उनकरे विद्यार्थी बड़ा तू लोग। ऐसे इतना लोग के धूल चटा देला तू लोग। अच्छा तू दोनों के नाम का बा? आई आचार्य जी से मिलल जाए। ओ देखें हमारे आचार्य जी परमानंद जी आई आई ई का क्रांति सिंह लागत आई है वह युद्ध के तैयारी हो रहा बा। और न तका परमानंद जी, दुश्मन के सबक सिखावे खातिर इनसे हवन थोड़ो न करवाई बा। अपन ताकत दिखावे खातिर युद्ध कला तो इनके सिखाबे करम। अच्छा ये बताई परमानंद जी, आज से 20 साल पहले अपन राजपाट छोड़ के आप चल गए रानी,
लेकिन 2 साल पहले वापस आप ही प्रदेश में आयल बानी, हम ही सुन ले बानी। आपन सब कुछ भुला के, हमनी के खो के, न जाने कहाँ चल गए रहनी, और आखिरकार वापस लौट के आवे के पड़ल। वैसे वापस आवे के उद्देश्य का बा? वो एगो बहुत लंबा कहानी बा। वैसे नर्मदा के शादी जहिया नीलकंठ से भइल वही दिन उनका घर से बाहर निकाल दिया गए, ओकरा बाद उनकर का भेल कुछ पता लागल? बुंदेलखंड के नर्मदा के बारे में बात करता रहा। ए बग्गी रोका सारथी, रोका रोका, हाँ रोका नर्मदा, रोका। एक कड़ी धूप में कहवा जा रहे बाड़ू। अब हमने अपन जिंदगी शून्य से शुरू करे वाला बानी। हो शून्य से जिंदगी शुरू करे खातिर विद्यापीठ खोले वाला बाड़ा। ओकरा खातिर हमरा के धन के जरूरत पड़ी। विद्यार्थी के शिक्षा देवे के साथ साथ हमने नया जिंदगी भी शुरू कर लिए। जिंदगी शुरू करे खातिर विद्यापीठ काहे खातिर? ए विद्या काफी नहीं थी काहे नर्मदा, हम सही कहनी ना? ए जबान पर लगाम था, बाबूजी के सामने इतना बात केला में शर्म नहीं खावत? भले ही बात बाबूजी के पसंद ना आवे, लेकिन नर्मदा के पसंद के बात पा। हाँ ना नर्मदा, वे तरह खामोश का है बाड़ू? ये खामोशी कहीं हाँ तो ना बाना? बेशक तूफान के आवे से पहले ही खामोशी छाइल रहेला। नारी जात के कमजोर मत समझिया, समय इला पर शेरनी भी बन जाली हो। नर्मदा चला, हमने अपने एक नया दुनिया बसाई। नर्मदा तू अपना पागल पति के साथ मेरे केकरा की चुनौती दे रहल बाड़ू? तू नहीं जानत बाड़ू हम दोनों के टुकड़ा टुकड़ा कई के चील कौन के खिया सकीला। तू केकरा की चुनौती देता आड़ू जानत बाड़ू? शंकर ठाकुर के। चला बेटा। जाई जाई, हमार ससुर के जो चोल महाराज जमीन जायदाद देले रहे वो सब के हड़प के हमने के मझदार में छोड़ के सीना तान के हमने से बात करत रहले। वो जमीन जायदाद ही छीन सकेलन, लेकिन जवन संपत्ति हमार बाबूजी हमरा खाती छोड़ के गईल बाड़न ओकरा के वो कबो ना छीन पहिहन। ये सब सुन के हमार मन बहुते दुखी हो गईल, यही खातिर तीर्थ यात्रा पर निकल पड़नी। अच्छा ये बतावा, ओकरा बाद नर्मदा और नीलकंठ कहाँ गईल? वो दोनों चोर महाराज के पास चल गए। वो नीलकंठ कुलदीप ठाकुर के बेटा बाई बात और वो दोनों अपन आप बीती महाराज के बता देले। महाराज उनकरा पे तरस खा के तनी जमीन उनकरा दे देले। तलवार पकड़े वाला नीलकंठ के हाथ हल थाम लेलस और नर्मदा भी खेती में उकर साथ देली। उनकर बोअल फसल सोना उगले लागल। आज अच्छा खासा संपत्ति के साथ कुंवर सिंह के नाम से नीलकंठ खुशी से जिंदगी का बहुत प्रसन्नता भइल। लेकिन नर्मदा के खाइल कसम के अनुसार ओकरा कोनो बेटा ना भइल। सुने में आइल बा कि ओकर खाली एगो बेटी बाड़ी। नर्मदा जौन कसम खैले रहली वो व्यर्थ ना गईल। नीलकंठ से नर्मदा दू जुड़वा बेटा के जन्म देली। उहे हवे भोला और शंकर, हम उलुक के पाल पोस के हर कला में निपुण बने लबानी। ई बात केहू ना जानेला। आप रास्ता में देखले हो खब जे 20-30 लोग के धराशाही कैले उहे बाड़े वो भोला और शंकर। भोला और शंकर और उनकरा साथे जो तीसर रहे ना वो गोरखनाथ के बेटा बा वीर बा। ओ, तो ही बात हाँ। यही से नाम पूछला पर भी ना बतावत रहलन। धन्यवाद। का कहला? बलराम ठाकुर के पोती लोग जल पूजा करे आ रहल बड़ी। अच्छा योजना बा, न्याय के गला घोट के नरक जाए खातिर कह रहल बड़ा। महाराज आज वो पागल नीलकंठ चोल महाराज के दया से राजमहल में बहुत स्वाभिमान के साथ जीवन बिता रहल बा। ओकरा जिंदा छोड़ल हमनी के भूल रहे। अब अगर वो श्यामलाल ठाकुर के साथे मिल गई तो आपके जिंदगी खतरा में पड़ सकेला। महाराज हमार बात में स्वर्ग नरक के भाव मत देखी, कहे से कि राजतंत्र है। राजनीति के क्षेत्र में न्याय और अन्याय ना देखल जाला। समझ गई नी। पराक्रम महाराज, प्रीतम सिंह के योजना के पूरा करबा ना? अवश्य करे के बा। हर साल के तरह दू कुंवारी कन्या दुर्गा मैया चंडी मैया के रूप में सज धज के नदी में उतरिहन, और ए साल भी हर साल के जैसन ठाकुर राणा के दोनों बेटी लोग जल पूजन करिहन।
मोहिनी, पार्वती, पार्वती। तू ठीक बाड़ू ना? रुआ मत बिटिया। तू दोनों हमार बेटियन के जान बचौले बड़ा, ये उपकार हम ना भूलब, आभारी रह। बेटा, इका तो हर पैर से खून निकल रहल बा। अरे धीरे धीरे भैया। आई राजमहल में राजवैद बाड़े, उनकरे से उपचार करवाओ तनी। सावित्री, हाँ? जल पूजन के बाद मंदिर में भोग लगा के आ जा। हम भी दोनों वीरन के राजमहल में उपचार खातिर ले जा रहल बानी। आई आई आई। केका के नाम से बिटिया? बेटी लोग के नाम से कर दी। ना माँ, हमनी के जे बचल हस उनका नाम से कर दी। हाँ माँ, उनका नाम से ही अर्चना कर जाओ। ये लोग के जान बचाए वाला के नाम जाने ला? ना, हम ना जाने ली। वो देखिए, हो सका तो उनका के मालूम हो कि का हम पूछ के आई। उके हुआ और ना बेटा, हमनी के गांव के नर्मदा है, हमार जाके पूछल कुछ ठीक ना होगी। तू ही लोग जाके पूछ लेना। ठीक बा माई, चला। सुनी सुनी ना, हमने श्यामलाल ठाकुर के लड़का हैं जा। पिताजी कैसन बाड़न बेटा? ठीक बाड़न, ये दोनों हमार बहन बाड़िन। हानी के आशीर्वाद दी। ये दोनों पानी में डूबत रहली, दो भाई लोग इनकर जान बचावलन, और वो के बाड़न हम ना जाने ली, और नाम भी नहीं खे पता, का बता सके नहीं? नाम ना जाना तड़ा, ईश्वर के नाम से अर्चना करावा। ईश्वर हमने के रक्षा ना कहले? जाना था नहीं। प्रणाम परमानंद जी। आपसे मिलने बहुत साल हो गए, कैसन बानी आप? भगवान के कृपा बा। नर्मदा, इनके खातिर तनी प्रसाद लेके आवन। हाँ लाओ। हे भगवान, अनारकली पानी में कूद गईल। वैसे प्रीतम सिंह कुछ दिन से हमार पीछा करत रहे, वो कमीना के डर से हम अपन इज्जत बचावे खातिर नदी में छलांग लगा देनी, ना तू हमके उठा लेके जाई। कहा वो कमीना से डर के तू अपन जान देबो? इन नर्मदा के बेटी बाड़ू तू याद रखियो, कहा गई तुहार हिम्मत? हम आई, हम तुहार बेटी बानी, दोनों भाई तरह से बिछड़ गए ले, लेकिन हम तरह से ना बिछड़ब, अब हम खामोश ना रह माई, हम तुहार बेटी बानी, हम ही साबित करके रहा। बेटी अनारकली, धैर्य मत खोइया, तोहर दोनों भाई जीवित बाड़े, तोके डरे के कोनो जरूरत नहीं है। इका कहत बानी, हमार हमार दोनों बच्चा आज आज जीवित बाड़े का? हाँ बेटी, यह बतावे खातिर हमें जाहिल बानी, बहुत जल्दी ये सच्चाई बाहर आवे वाला बा। ठीक बा, रवा लोगन शंकर बाण दुर्ग जाई, हम काली महाराज से मिलके तुरंत आवत बानी।
का वैद्य जी, अब कोनो डर नहीं के ना? कोनो डर नहीं के। अच्छा, भोजन खरीद चलल जाओ। अब डराई की कोनो जरूरत नहीं के, तो लोग जा। चला चला जल्दी, उपज के जाए ना पावे। ध्यान से सुना, तोहनी सब जाने के कैद कई के काल कोठरी में डाले के हुक्म दिए हले बाड़न हमार काली महाराज। दावत खातिर बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य जी। राह देखत होखियन, हमनी के जाए के होखी, अब आज्ञा दी। देखा बेटा, कुछ ही देर में मंदिर से हमार पत्नी और बच्चा आवे वाला बाड़े, उनकरा से मिल के जाना। कुछ देर तक हमनी के अतिथि बन के रहा ना, हाँ? चला। का उनसे मिलल जरूरी बा? जरूरी तो नहीं के, हाँ अगर तुम्हारी इच्छा बा तो जरूर मिल के जाए। हाँ, जरूर मिलके ही जाइल जाई। बलराम ठाकुर के पोता अब हमने के कब्जे में बा, आप जाके काली महाराज से कह दी। काली महाराज से ना, नर्मदा के हमरा हाथ से छीन ले ले रहे हो बलराम ठाकुर, ये बात सीधे जाके बलराम ठाकुर के बतावा, तमाशा तब देखल जाई। जौन हुकुम, जे हमारा अपमान कर ले बाकरा के हम ना छोड़ब। शमशेर, इस समय वो लोग कहाँ बाड़न बताओ। रायचूल के काल कोठरी में बंद है महाराज। शबाश। ओह, काल कोठरी में आग लगा था, हमारी इज्जत के धज्जी उड़ाए वाला वो परिवार के आग में जर के राख होवे था। महाराज, ओमे आपके पोता और पोती भी बाड़ी। ताका भाईल, हमरा के अपन नर्मदा के फिकर ना बा, हमर खातिर परिवार से बढ़कर हमार गौरव ही सब कुछ बा। जैसन कहीं नहीं वैसन करा, जाओ। जौन हुकुम। राणा ठाकुर जी, जब हमनी मंदिर से लौटत रहनी, तब रायचूर काली आपन सैनिक के साथ वहाँ के आपके पूरा परिवार के कैद करके ले गए बा। ठाकुर साहब, सब्र के बांध टूट गए बा, उनकरा से लोहा के चना चबवाई। वीरो, क्षमा चाहतनी, हमरा के यही क्षण जाए के होखी, आप लोग जाई। तनी रुकी, हमने आपके नमक खेले बानी, हमने ऐसे ना जाए। आपके मुसीबत में छोड़कर गए
हमनी के तन को गवारा नहीं खे, हमनियो चलब। धन्यवाद वीर लोगन, हम पहले ही से आप लोगन के एहसान मंद बानी। हम लेखी जनत की तू लोग केकर पुत्र हवा, लेकिन तू लोग के वीरता हम देखले बानी। हम तोरा के वचन दे रहल बानी कि तोहार मदद से अगर हमार परिवार बच गयल तो हम अपन बेटियन के शादी तू दोनों के साथ करवा दे, ये हमार वचन बा। प्रस्थान कर जाओ। काली महाराज के आदेश बाकी, ए दुर्ग के मत चरा, निशानी के तौर पर ये अंगूठी देहले बड़न हमरा के। चला हटा, हमरा के तोरा पे भरोसा नहीं के। काली राजा के सेनापति बानी और यहाँ तुहार कौनो चाल ना चली। ए कौनो चाल ना, चलाओ।
प्रणाम महाराज। बैठे। ए राय चूर काली से भूल हो सकेला, लेकिन धर्म के विरुद्ध हमनी कब बोना चाहे। आपके दिहल हमार अंगूठी से बलराम ठाकुर के परिवार के जान बच गई, तेकरा से बड़ खुशी और का हो सकेला। लेकिन हमनी दोनों के बीच जवन दुश्मनी बहु कब्बो ना मिठी, और प्रतिशोध के भावना के मन से कबो ना निकाला। ओकरा के निकाले के होखी, दोनों के मिलावे खातिर ही हम ई संघर्ष कर रहल बानी, और एकरा से हम कबहियों पीछे न हटब, और हमार ई प्रयास जारी ही रही। काली महाराज, महाभारत में कौरव और पांडवन के बीच कोनो युद्ध न छिड़े, यही से कृष्ण भगवान अत्यंत कष्ट सहलन। कहां कष्ट उठौले, महाभारत के मूल कारण तो उहे रहलन, और आपो उनकर तरफ बानी। हे रायचूर काली और बलराम ठाकुर के बीच आप कृष्ण भगवान बनके रहुआ युद्ध खातिर प्रेरित कर रहल बानी। चाहे कुछ होखे महाराज, अंत अच्छा होखे, उहे हमार लक्ष्य बा।
छोटे ठाकुर से परिवार आ रहल बड़न। आप सब लोग के यहाँ देख के बहुत खुशी हो रहा बा हमरा। आई नर्मदा से ना मिलब का अंदर आई आई ना आई 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 नर्मदा अनारकली देखा था क्या आयल बा? देखा राणा यानी श्यामल ठाकुर आयल बाड़न। राणा नर्मदा नर्मदा रोवा मत, हम आगिल बानी, कैसन बाड़ू तू? ए भी आनार कली, हमार बेटी। ना। नर्मदा, देखा, ये बा हमार बेटा प्रताप सिंह, ये बाड़ी मोहिनी, और ये हैं पार्वती। और पता भा, ये वीर लोग ही दो बार अपन जान पे खेल के हमार बेटियन की जान बचौलन। यही से अपन बेटियन के शादी इनकरे से करवा रहल बानी। हमार शपथ के का हो किराना? ओइसे तो हर तक कोनो बेटा ही नहीं खे। ये झूठ बा, हमार दोनों बेटा अभी जिंदा बाड़े। आपन फैसला बदल के आपन बेटी सबकी शादी हमार बेटा से करे के पड़ी। अगर इनकार करबा तो हम अपन शपथ के कोनो भी तरह पूरा करके ही रहबा। तहार शपथ व्यर्थ ना गई। प्रणाम महाराज। हम तो यह चाहतनी कि हमार राज्य में सब लोग खुश रहस, चारों ओर मंगलमय होके विवाह मंडप से बाहर आवे के बाद नर्मदा और नीलकंठ जौन कष्ट उठौले बड़न उस सब हम अच्छा तरह से जाने नी। ए बेचारी के साथ का भइल सब जानतनी। श्यामलाल ठाकुर भी इनका साथ बुरा व्यवहार कैलन यो हम जानतनी। खैर जाए दा, आज उहे श्यामलाल के नर्मदा के घर में देख के हम के आश्चर्य भइल। ए त नर्मदा खातिर गौरव के बात बा। आपन भोला पति के रक्षा करके सारा राज्य में इनका नाम रोशन करके इनका कुंवर सिंह बनावे के श्रेय नर्मदा के ही जाएला। संतान प्राप्ति खातिर दोनों कितना मंदिर मस्जिद गेलन हम जानत नहीं। ई जान के शंकर ठाकुर और बलराम ठाकुर का कैलन पता बा? कुछ ज्योतिष लोगन के बुलवा के दुर्गा मैया खातिर रथ तैयार करवा के रथ यात्रा करे से संतान प्राप्ति होखी ऐसन कहल वैलन। और उ दिन भी आए। रथ रुक गेलवा, का भेल बा देखी? एकर कारण का हो सकेला? देवी प्रकोप, रथ के मंदिर पहुंचा अति आवश्यक बा। खींचा, खींचा। ईश्वर, इता दैविक प्रकोप हा। तू लोग कुछ भी करा, ई रथ हिले वाला नहीं खे। एकर परिहार तबे हुई जब कोनो सुमोबली कन्या के बलिदान निजे दियल जाई। गांव के कल्याण खातिर ऐसा कोनो कन्या अपन बलिदान देवे खातिर तैयार बाड़ी का? आई आई गांव के रक्षा करी। आई केहू तो आई। यहाँ जे भी भइल ओकर कारण हमनी दोनों पति पत्नी ही बानी। एही से हम अपन बलि देवे खातिर तैयार बानी। रुक जाओ, रुक जाओ। ई दैविक प्रकोप कुछ नहीं खे, ई केहू के साजिश हा। एकरा हम ठीक करब। नर्मदा उठ जा, अभी रथ सही से चली। हाँ रथ खींचा खींचा। नीलकंठ, संतान के प्राप्ति खातिर रह रोहर भटके से अच्छा बा अपन राजमहल में जाके शांति से रहा। अगर संतान के योग बा तो भगवान संतान जरूर देंगे। समझ गए ली? हमनी दोनों संतान प्राप्ति खातिर कहवा कहवा ना भटकनी नर्मदा।
और आज तो हार मनोकामना पूर्ण हो गई बा नर्मदा। देखा, क्रांति सिंह के भविष्यवाणी सत्य हो गई बा। आप तो पिता बने वाला बानी, समारोह ना रखा। हाँ हाँ, सारा गांव में ढिंढोरा पीट के हम गांव वासियन के बुलाए। तबे हमने श्यामल ठाकुर के सामने सीना तान के खड़ा हो जाई। समारोह के तारीख तय कई के हम सगे संबंधियन के भी बुलाए, ठीक बा ना? समारोह में हमरा के बुलावले भाड़न, अपमान करे वाला के नाम कब भूल सकीला, न कहियो माफ कर सकीला। हमार घर से केहू भी ना आइल। नर्मदा, तोहरा साथ हम तो बानी ना। रुका, कहवा जा रहल बाड़ू? हमनी के दाई आज से पहले तू दोनों के हम यहाँ देख ली ना। हमनी के पास के गांव से आयल बानी, ककराइन से मिल सके नी जका। आप जाके मिल सकेली, मर्द लोग ना मिल सकेला। आप जाएं। धन्यवाद। और हम कैसा की दोनों के बाद इनकर ले जाके बंद कर दो। काय क्रांति सिंह, जब हम सुन ली उस सचबा का। आप का सुननी? कि नर्मदा के बच्चा बहिल बा, दू जन्म ले ले रहे लेकिन दोनों गायब बाड़े, गायब करे वालन के कैद कर देनी। अगर वो दोनों बड़ा हो गईलन तो हमार जिंदगी के शंभूलाल के वचन कहियो व्यर्थ ना गईल काली महाराज। जी हाँ, हम जौन कहनी हूँ सत्य बा, दुर्गा मैया के वचन कबो खाली ना जाई। दुर्गा मैया के वचन खाली ना जाई मतलब, अगर नर्मदा के बच्चन के रायचूर काली के जान से खतरा पा तो मासूम बच्चन के मौत के घाट उतार दो। तो फिर वो दोनों बच्चन के हत्या के करी? हाँ जी, वो हम करब। ठीक बा, तू दोनों बच्चन के तुरंत काली महाराज के हवाले कर दा, खुदे हमार दोस्त रायचूर काले और दोनों बच्चा के मार दी हन। चाहे कुछ होखे इतना घोर पाप होखी। दुश्मनी में पाप और पुण्य के बारे में कबो सोचल मत करा काली महाराज। चित्रलेखा, जब हमनी के जुड़वा बच्चे पैदा भइले तो हमके बहुत आश्चर्य भइल, लेकिन ओकरा बाद हमके बहुत खुशी भी भइल। न जाने काहे हमरा के बहुत डर लगा था, ई बच्चा लोग के हा और रउआ कहाँ से लेके आवा तनी। ई दोनों नीलकंठ के संतान बाड़े, तो इनके मांग के लावे के का जरूरत रहे? मांग के लेके ना आइल बानी, चुरा के लेके आइल बानी, ना तो ई दोनों के काली महाराज के हवाले करे के पड़ी। और वो दोनों के मारे खातिर बेचैन बाड़े हैं। हमनी जे में रहा तानी घर बाग बगीचा खेती जमीन जायदाद ई सब के सब ई बच्चन के परदाता कुलवंत सिंह ठाकुर के दिहल हा। ई खातिर कुलवंत सिंह ठाकुर के वंश के रक्षा कैल हमनी के कर्तव्य हा। कोनो पति जो अपन पत्नी के साथ ना करेला वो हम तोरा साथे करे जाता नहीं, अपन मन के संभाले के पड़ी। ई बच्चन के बचाव खातिर अपन बच्चन के बलि चढ़ावे वाले बानी। का?
अपन बच्चा के बलि ना, हमेशा ना कर दे, हमेशा ना होके दे, रघु ऐसा ना कर सके नहीं। वीर बहादुर, तू चोरी छुपे ये सब सुनत रहला हम जाना तानी, ये खातिर जौन भइल ओकर गवाह तू बड़ा, माँ के ख्याल रखिया। जी हाँ। क्रांति सिंह अपन पत्नी और दोनों बचवन के बलि चढ़ा के तुहार बच्चा लोगन के क्रांति सिंह अपन बच्चा लोग जैसन पाल पोस के बड़ा कैला, और ये दोनों शूरवीर और केहू नहीं खे, देखा ये दोनों तुहार पुत्र हवन, ये भोला और शंकर। हमार बेटा सब आपका कहत बड़ा राणा, तुहार दोनों बेटी के शादी था हमार दया के बिना ना हो सकेला। बिल्कुल सही, तुहार शपथ तो पूरा होके वाला बा, हम अपन दोनों बेटियन खातिर तुहार दोनों बेटन के हाथ मांग रहल बानी। इतना बस बा कि और गिड़गिड़ाई। शादी के तारीख निकाल ली ना। हमने के आचार्य जी के इच्छा जनला के बाद ही हमने कुछ फैसला ले पाई। हाँ बेटी, भोला ठीक कह रहल बा, ऐसा नहीं करब, आवा आचार्य जी से मिलल जाओ, आवा। प्रीतम सिंह, ये का बोल रहल बड़ा, हमार पराक्रमी सैनिकन के होत हमार दुर्ग में घुस के हमार सैनिकन के धूल चटावे वाला के बात जाने लगा? वो और केहू ना, नर्मदा के जुड़वा बच्चा लोग के मार देनी आप यह सोचतनी ना, वो मरल नहीं खान, वो दोनों आज भी जिंदा बाड़न। मतलब क्रांति सिंह हमनी के धोखा देलस, नर्मदा के बच्चा हमें कह के वो दू गो बच्चा के हमनी के हवाले कर ले रहे, तब ओ परमानंद के का समझतनी, भोला और शंकर आज भी जिंदा बाड़े ई बात वो जाने लगा। ओ परमानंद कहवा बा? नर्मदा के शपथ अनुसार भोला और शंकर के शादी छोटा ठाकुर के लेकियन के साथ होके के चाही, एमे हमके कोनो आपत्ति नहीं के, अपन खानदान के मान बचावे खातिर अपन परिवार के बच्चा के ले जाके उनकर हाथ में सौंप देनी, हम बच्चन के उनकर हाथे में देके अपन पत्नी के का जवाब दे भी है सोचत सोचत घर लौटत रहनी, लेकिन एकर भी हमके मौका ना मिला, कहे कि हमार पत्नी ये दुनिया के छोड़ के जा चुकल रहली, ओकरा बाद एक दिन ओकर समाधि पे हमें को शपथ लेनी, चित्रलेखा तहार बच्चन के हम मार देनी, ओकरा खातिर तो गुस्सा मत होइया, हम अपन बच्चन के ये देश खातिर ये मिट्टी खातिर अर्पित कैले बानी। हमनी के बच्चा लोग के जे लोग मरले बाड़े उनसे ई बच्चन के जरिए इंतकाम लेब, और तब तक ई बच्चन के ब्रह्मचारी बना के पालब, उनकरा से बदला लेब, ई शपथ लेतानी, कसम खातानी चित्रलेखा, कसम खातानी। आचार्य जी, आप बिल्कुल चिंता ना करी, आपके वचन के हमनी पूरा करब, और पूरा करके ही हमनी दम लेब। सत्य वचन, सत्य वचन। प्रणाम। ये दोनों हमनी के होखे वाली बहू। जानतानी जानतानी, हमार शपथ पूरा करे खातिर भोला और शंकर हमरा के वचन देले बाड़े, परमानंद देकर गवाह बाड़े। कहाँ बाड़े परमानंद जी? आचार्य जी, परमानंद जी के का जरूरत बा? हमनी अपन वचन से कबो ना मुखरब। आप हमनी के चिंता कैल छोड़ दी और अपन बेटियन के शादी कहीं और करा दी, आचार्य जी के दिहल वचन से बढ़ के हमनी खातिर और कुछ नहीं खे।
पिताजी, हमनी दोनों अगर जियब तो उनका साथ ही जियब, वरना हमनी दोनों उहे नदी में डूब के अपन जान दे दे पिताजी। मासी, आपकी शपथ और पिताजी के दिहल वचन के अनुसार ये शादी अवश्य होगी। केवल इतना ही ना, भोला और शंकर आचार्य के जवन वचन देले रहले ओकर पूरा होके तक हमनी दाम्पत्य सुख से दूर रहब, ये हमनी दोनों बहन के आपसे वादा बा। अगर आपके स्वीकार नहीं के तो बहन जौन फैसला ले बड़ी वो हमके स्वीकार बा। ठीक बा, तो इनके शादी होके दी और हमार शपथ पूरा होके देब, भोला और शंकर अगर अपन ब्रह्मचारी जीवन जिये तो हमके कोनो आपत्ति नहीं खे। प्रणाम। काली महाराज, गुप्तचर के जरिए एगो बहुत खास संदेश मिला। कहा? भोला शंकर, परमानंद और क्रांति सिंह, ये चारों शंकर बाण दुर्ग में बैठकर साजिश रच रहल बाण। वो हमनी के रायचूर राज्य पर आक्रमण करे के साजिश। उनकर साजिश राज्य के हमनी पर आक्रमण करे तक हमनी चुप ना बैठा। इस समय हमार सेना उनकर दुर्ग के चारों तरफ से घेर ली, तभी वो भोला और शंकर जान हथेली पे लेकर यहाँ भागत आयन। बिल्कुल सही कहा तनी, और हमनी के सेनापति पराक्रम सिंह उनकरा के यहाँ से भगा दी है। पराक्रम, युद्ध के तैयारी करा। जो को सही कहनी आप महाराज। का बात बा? हम प्रतापगढ़ से आ रहल बानी, रायचूर काली के मदद से प्रीतम सिंह हमीरपुर पे कब्जा कई लेलस। बलराम ठाकुर और रायचूर काली के जुर्म से सारा गांव पीड़ित बा महाराज, लोगों की पीड़ा दिन ब दिन बढ़त जा रहल बा महाराज। आचार्य जी, हमने तुरंत जाके उनके बंदी बना के ले आवतानी, आज्ञा दी। शादी के समय पे युद्ध की तैयारी। ठीक बा, एक काम कराता नहीं, इनकरा युद्ध में जाए से पहले ही अभी इनका शादी करवा दिया जाए। का कहता नहीं? आप जिसन कहीं वैसा नहीं होगी आचार्य जी। युद्ध में जाए से पहले विवाह? अगर हमनी के कुछ हो गई तई दोनों के का हुई कबो सोच ले बानी आप लोग। युद्ध में ही ना, अगर अगला पल ई मर भी जाई है तो कोनो गम नहीं है। ये पल ई दोनों के हमनी से ब्याह करे के होगी। दोनों भाभी आप लोगों के राह दिखाता रही, एक बार उनसे मिलके तो जाई ना। विवाह के पश्चात ई सब होखल सहज बा, ई बात हम अच्छा तरह से जाने ली, लेकिन तहरा के तहर पत्नी लोग भली भांति जाने ली, वो ऐसे ना कही है।
जा मिल के आ जा। जीत खातिर हम एजा तपस्या करब। तहार तपस्या से हम जीतब ऐसन कहे? हमार वीरता पे तारा भरोसा नहीं खे? हाँ, हमार भरोसा तो आप बानी, आप तो सूरवीर बानी, और आपके वीरता तो हम देख चुकल बानी। आप अवश्य विजयी होके ही लौटब। Thank you.
आप दोस्त बन के आयल बानी कि दुश्मन बन के? तो के हम पे भरोसा नहीं खे कहे से कि आप काली महाराज के मंत्री जौन ठहरनी? एक जमाना में रही अब ना बानी हम, कबैयो हम शंकर ठाकुर और बलराम ठाकुर के कदर करत रही, मगर आज नहीं। जब वो दोनों काली महाराज के मित्र बन गयलन हम ओजा से निकल गए नी, और चोल महाराज के शरण में जाके तुहार मदद खातिर हम सेना लेके आयल बानी। आपके धन्यवाद, हमने के आप पर गर्व बा। आज परमानंद भी हमनी के साथ मिलके युद्ध कर रहल बाड़न। शंकर अति प्रसन्न मत होई हा, एकरा पीछे उनकर का लक्ष्य बा ई तू ना जानेला। प्रणाम परमानंद जी। प्रणाम। हमनी आपके आभारी बानी, लेकिन हमके एगो शक बा। तो के भी शक बा? रायचूर काली के वीर सैनिकन के सामना करने के घड़ी में चोल महाराज के सेना के ठुकराए के वजह हम जान सकता नहीं। यदि हमने विजयी भैनी और आपके महाराज के अधीन हो के लगान भरे के पड़ल तो हमनी के आपके मदद के जरूरत नहीं खे, ऐसे बेहतर शहीद हो जाए हमनी के मंजूर बा। तो फिर रवा का चाहता नहीं? स्वतंत्र राज्य और केहू केहू के लगान ना भरी। तुहार शर्त के चोल महाराज के ओरी से हम पूरा करत बनी, बाकी हमार भी एगो शर्त तोहके माने के होखी। विजय होके के बाद चोल महाराज के दावत में तोहके आवे के होखी। अवश्य हम आई। आक्रमण! बलराम ठाकुर पीछे से वार करत आड़ा, ये युद्ध के धर्म नहीं खे। का बलराम ठाकुर काला? आपके नाम उहे बना। तोहार वंश के जड़ से उखाड़ के बेके का खातिर हम कुछ भी कर सकीला। तोहार माँ तू ओ कलमुही के वजह से हमार पत्नी के मौत हो गई, ऐसे तुमनी सबसे बदला लेवे खातिर हम काली से दोस्ती का ही नहीं। महल में आराम करे के उम्र बा आपके, तलवार लेकर रण भूमि में तो आ गई ला, बाकी जाइबा कैसे? आपके जगह केहू और होखत तो कर सर धड़ से अलग कर देले होती। देखनी आप, अब आप निहत्था हो गई बानी, अब हम बतावत नहीं, चला कुश्ती लड़ल जा। देखी बलराज जी, आप तो हमार नाना समान बानी, लेकिन विधि के विधान देखी, आज रणभूमि में हमार हाथ ही आपके मौत लिखलवा बलराम ठाकुर। जाने अनजाने हम कितना बुरा काम कहले पानी, बुरा काम के बुरा नतीजा हो खेला, ये हमरा क्या आज ही पता लागल। तू बोला हवा की शंकर हम आपके बोला पानी बोला हमरा के माफ कर दो बेटा, जान को
जौन कुछ तोर भार के साथे कहली ओकरा खातिर माफी चाहतनी। दुश्मन के छोड़ियो ना बेटा। लोहा से लोहा के काटल अच्छा विचार है। का बाऊ? बोला और शंकर हमने के दुश्मन बाड़ा नहीं जान के वो हमने के सामने खड़ा करत पड़ा ना। अगर उनका आपन बना लिया जाए तो? ओ कैसे? उनकर बहिन अनार कली के रौरा आपन पत्नी बनावे के होखी। ओकरा बाद वो दोनों आपके साला बन जिहन। हमनी दोनों अलग अलग कुल के बानी तो बात आगे कैसे बढ़ाई? ये हमार समाज कबो न स्वीकार। जल्दबाजी कैले बिना हमार बात सुनी। अनार कली के गुप्त रूप से उठावल जाये। एक बार जब वो राउर किला में घुस जाये तो फिर बच के कहां जाये? ओकरा बाद झक मार के भोला और शंकर ओकरा से राउर शादी करवाई। कैसन लागल हमार योजना? अच्छा योजना बा, लेकिन अधर्म के नीति के अपनावे के कारण बड़ा ये कुछ ठीक नहीं खे। हमनी के लगे दूसरा रास्ता नहीं खे। हमनी के सेना ध्वस्त हो रहा बा, ऐसन परिस्थिति में हमनी सबके रक्षा खातिर एगो यह रास्ता बा। राकरम हुकुम। प्रीतम सिंह जोन कहलन हुआ आज राती के हो जाए के चाहिए। अवश्य करब महाराज। पराक्रम, हम महल में इंतजार कर रहल बानी। खाली अनार कली के उठावे के नहीं खे, नर्मदा के भी खत्म करे के बा। और आरोप एकरा पर आई। और काहे खातिर हमके ऐजा उठा के ले आई? रायचूर काली के सेनापति बनी हम। पराक्रम नाम बा हमार। रायचूर काली राजे के कामधाम छोड़ के अपहरण के काम कब से शुरू कर देला? जवान के लगाम दा, हमार महाराज के का हुकुम बा जनताड़ू? उ तोहरा के पावल चाहतड़न और हम तोरा के उनके शयन कक्ष तक उठा के ले जाए। अगर हम ना आईनी त? हम तो ऐसन सेवक बानी जऊ सरकार से पहले तोहरे यौवन के भरपूर मजा लीहब, ओकरे बादे हम तोहरा के सरकार के सामने पेश करब। कहे कि हमो देखल चाहतानी कि ये फूल में ऐसन कौन खासियत बा जेके पावे खातिर सब लोग बेचैन बाड़न। ई जनला से पहले तू बेमौत मारल जाइबा। हाँ
ओहो, ए तरह अपना नारी के साथे बल प्रयोग करत तोरे शर्म ना आइल? तू गद्दार, हमार पीठ पीछे ऐसन काम कितना साल से करत आ रहल बाड़े, आज से तू ए लायक ना रहबे। सरकार क्षमा कर दी, भूल हो गई। क्षमा और तोरा के पराकर, हम का कहलनी और तू का कहला, तोहरा जिसन सेवक के कारण आज हमार नाम बदनाम हो गई। क्यों बा? एकर अंतिम संस्कार राज मर्यादा के साथे कल जाए। कह दिया कि अगला युद्ध में वीर गति प्राप्त हो गई बा। ले जा। आचार्य जी, शत्रुओं के खात्मा करके तारा के अपन राज्य वापस लेवे के पड़ी। इन राज्य के प्रजा शांति से जिए, अब तारा हाथ में बा।
तब तक हमरा कुछ ना होई। जा आचार्य जी जा। तोहरा जैसन महावीर योद्धा के रणभूमि में भावुक ना होके के चाही, आगे बढ़ावल कदम पीछे ना हटे के चाही। जा जा जा। क्रांति सिंह जन्म से और गुण से आप बहुत उच्च बानी ऐसा आचार्य कहत रहलन, और उनकर शिष्य होके आप अधर्मियन के साथ कैसे देनी। प्रीतम सिंह अपन स्वार्थ खातिर हमार मित्रता के लाभ उठौलस, आज तक ही रायचूर काली केहू के सामने अपन मस्तक ना झुकौलस, और ना ही झुकाई।
तोहार राज्य के स्थिति के बारे में जब परमानंद हमरा के बतैलन तब हम अपन सेना तोहार मदद खातिर भेजले रहनी। भोला और शंकर और राज्य पर विजय प्राप्त कैले रहलन, लेकिन ओह राज्य पर हुकूमत करे खातिर हमार मान्यता के जरूरत बा, और मान्यता के बिना ई नामुमकिन बा। और इहे ना चोल राज्य के सहमति के बिना केहू भी ओह राज्य में कुछ भी ना करी। एकरा साथे साथे रायचू राज्य भी चोल राज्य के अधीनता स्वीकार करके लगान भी भरीहन, ये हमार शर्त बा। आप हमार सत्कार कर रहल बानी या फिर तिरस्कार कर रहल बानी महाराज? रुक जा। ई कवीर, तू आज भरल सभा में चोल महाराज के अपमान कैले बाड़ा। खैर, हमरा के तोरा से कोनो शिकायत नहीं खे। जब कोनो नन्हा शिशु आपन माँ के हाथ के अमृत फेंकेला तो दंड के पात्र ना होखेला। सूची पटके कहा फेंकला तू? बोला का कारण रहे? महाराज, युद्ध खातिर जवाब सेना भेजनी तो हमने एगो शर्त रख ले रानी। शर्त? और हम वो कैसन शर्त बा? हम कुछ नहीं की जानत। क्षमा चाहता नहीं, उस शर्त हम ही रख ले रही। चोल सेना से मदद लेवे से पहले जीत होखी तो लगान ना भरी हन, अधीन ना रहियन, यही शर्तन के साथ समझौता भइल रहे। दोनों राज्यन के भलाई खातिर ही हम ऐसन कहनी, और ई बात हम रउआ से कहल भुला गई। ऐसन बात बता, चोल राज्य के साथ पूर्व राज के कोनो संबंध ना रही, ऐसन भोला और शंकर के विचार बा? कोनो संबंध ना होकर तो हमनी ऐजा ना आईती। हमनी के राज्य के मित्र राज्य के मान्यता दिहल जाए तो वह काफी बा, गुलामी कबो हमनी स्वीकार ना करब। ओहो, ठीक बा। और यदि हमार राज्य तोहार राज्य के साथ मैत्री पूर्ण ना रही हन तो तोहार राज्य के भूमि स्वतंत्र भूमि कहला पाई का? राजन, हमने शीश कटा सके नहीं, लेकिन शीश झुका के गुलामी कैल हमने के पसंद नहीं खे। हमने के क्षणिक सुख के कोनो आवश्यकता नहीं खे। हमने युद्ध में प्राण गवा सके नहीं, लेकिन गुलामी के जंजीर में जकड़ के रहल पसंद नहीं खे हमने के। केहू के गुलामी हमने कबो कबूल ना करब। यदि ऐसा सपना भी कभी आयल था उसे हमने की वीरता और सम्मान के ठेस पहुंची। आह, वाह वाह, आज वीरन के वीरता देख के खाली हमरा ही ना आप लोगन के भी आश्चर्य होखत होखी, इतिहास में इनका नाम लिखल जाए। भोला और शंकर के वीरता के किस्सा और इनका इच्छा अनुसार पूर्व राज्य सारा अधिकार के प्राप्त करके चोल राज्य के साथ मैत्रिक राज्य बन के ही रही, और उकर सम्मान करता नहीं हम। भोला और शंकर के मोतियन के राज की हार देता नहीं। महाराज, एक और कर्तव्य रवा निभावे के बाद भोला और शंकर अपना आचार्य के दिहल वचन के अनुसार ब्याह के बादो ब्रह्मचारी बढ़न। अब आपके ही कुछ करे के पड़ी। ठीक बात, चला।